हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो मई 2024 में अपने पेपर देने वाले हैं सीए इंटर के, क्योंकि आज हम आईसीआई के द्वारा न्यूली इशूड जो सीए इंटर एफएम की आरटीपी है उसको ब्रिक बाय ब्रिक ब्रेकडाउन करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आप अपने पेपर और पेन को लेकर बैठ जाइए, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम फटाफट से अपनी बात को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम फटाफट से अपनी आरटीपी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर नंबर 6 है ये, ठीक है ना। उसमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दोनों का कंबाइंड आरटीपी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये केस सिनेरियो बेस्ड है, ठीक है ना। तो जो एमसीक्यू की बात की गई है उसमें हमको देखना है कि केस सिनेरियो में क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए फटाफट से पढ़ते हैं। A R Moore LLP is a newly established startup dealing in manufacture of a revolutionary product HDHMR, which is a substitute to conventional wood and plywood. It is an economical substitute for manufacturer of furniture and home furnishing. It has been asked by a venture capitalist for an estimated amount of the funds required for setting up the plant and also the amount of circulating capital required. अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया circulating capital, यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं confused। circulating capital का मतलब क्या होता है सर, working capital, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना पैसा प्लांट को सेटअप करने के लिए चाहिए वो भी बताना है और जितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा इस बिजनेस के लिए वो भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अ कंसल्टेंट हायर्ड बाय द एंटिटी हैज एडवाइज दैट द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्लांट वुड बी ₹5 करोड़ एंड इट विल रिक्वायर 1 ईयर टू मेक द प्लांट ऑपरेशनल। 1 साल लगेगा पूरे प्लांट को ऑपरेशनल होने में, ठीक है। एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एंड एसोसिएटेड कॉस्ट नंबर्स आर एस फॉलोस। क्या क्या दिया हुआ है, यूनिट्स टू बी सोल्ड 3 लाख स्क्वायर मीटर्स पर एनम, ठीक है। सेल प्राइस क्या होगी ईच स्क्वायर मीटर की 1000। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होने वाला है सर, यहाँ पर 200 पर स्क्वायर मीटर होने वाला है। लेबर कॉस्ट कितनी हो रही है ₹50 पर आवर और 1 स्क्वायर मीटर को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब हुआ लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा ₹150, ठीक है ना। कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ₹75 पर मशीन आवर। इसके बाद इन्होंने बोला है और 1 स्क्वायर मीटर पे मशीन आवर्स कितने चाहिए, 2 घंटे चाहिए। तो मशीन की कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी आ रही है 75 × 2, दैट इज 150। सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है ₹250 पर स्क्वायर मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री द फर्म विल हैव टू गिव अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months टू इट्स कस्टमर। It will also maintain a stock of raw materials equal to 15% of the annual consumption. बात ध्यान रखनी है, consumption word रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, based on negotiation with the creditors, the payment period has been agreed to be 1 month from the date of purchase. The entity will hold finished goods equal to 2 months of the units to be sold, ठीक है। तो कितना बोला गया सर, फिनिश गुड्स को भी हम होल्ड करके रखेंगे 2 महीने के बराबर ऑफ द टोटल यूनिट्स सोल्ड। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर टू बी पेड 1 month इन एरियर। कैश एंड बैंक बैलेंस टू द ट्यून ऑफ 25 लाख इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। तो ये हम कह सकते हैं कि सारा का सारा जो डिटेल दिया गया है वो वर्किंग कैपिटल के रिलेशन में ही दिया गया है, या फिर मैं कहूँ सर्कुलेटिंग कैपिटल के बारे में ही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है क्या, द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय आइदर ऑफ द 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स बाय 1 month विच विल लीड टू अ रिडक्शन इन 5% ऑफ सेल्स। हम 3 महीने से घटाकर अपना क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर्स 2 महीना करना चाहते हैं और इस वजह से 5% ऑफ द टोटल सेल्स में ही सर कम हो जाएगी। एक तो ऑप्शन ये है सर। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है एंगेजिंग विद अ फैक्टर फॉर मैनेजिंग रिसीवेबल्स हु विल चार्ज अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू एंड विल आल्सो एडवांस 65% ऑफ रिसीवेबल्स एट 12% पर एनम, ठीक है। दिस विल लीड टू सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैड डेट कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 20 लाख एंड 16 लाख। तो टोटल 36 लाख रुपए की सेविंग्स भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पर बताए गए। आइए आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या बोला गया। The entity is also considering funding a part of working capital by bank loan. For this purpose, the bank has stipulated that it will grant 75% of the net current assets as advance against working capital. The bank has also quoted a 16.5% rate of interest with the condition of opening a current account with it, which will require 10% of the loan amount to be minimum average of the balance. क्या बोला गया सर, अगर आप 100 रुपये बैलेंस लेते हैं लोन, उस पर 16.5% का रेट आपको लगेगा, बट उस 100 रुपये में से 10% आपको हमेशा ऑन एन एवरेज अपने अकाउंट में मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक जो फंडिंग की बात कर रहा है उस फंडिंग की रिलेशन में ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, अब हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के लिए, यू बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू the following questions. What is the anticipated profit before tax per annum after the plant is operational? ठीक है, आइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सर सारा डेटा हमें कहाँ दिया हुआ था, मैंने कहा सर कॉस्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड सारा यहाँ पे डिटेल हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए कुछ डिटेल 2-4 चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई हैं, आइए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सर फटाफट से हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पहले कॉस्ट निकालने या सेल्स पहले निकालें, दोनों बात सेम है। तो सेल्स हमारी 3 लाख यूनिट्स थी, है ना, 3 लाख यूनिट्स कैसे आ गई। सर देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, उन्होंने बोला था कि 3 लाख स्क्वायर मीटर हम लोग सेल करेंगे और उसका सेलिंग प्राइस कितना था सर 1000। तो 1000 रुपये का रेट 3 लाख स्क्वायर मीटर का यूनिट सोल्ड, तो 3 करोड़, ठीक है ना, या 300 लाख भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमने अपना सेल यहाँ पर लिख लिया। अब आते हैं हम अब सबसे पहले अपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के ऊपर, ठीक है। तो यूनिट जितना प्रोड्यूस किया है उसकी टोटल कॉस्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम जानते हैं सर अक्रूवल मेथड से बात की जाती है। तो हमने कितना गुड्स प्रोड्यूस किया, तो हमने सर गुड्स इतना प्रोड्यूस किया था कि 12 महीने की जो सेल है 3 लाख की वो तो भरपूर होगी ही होगी, और साल के अंत में 2 महीने के फिनिश गुड्स भी मेरे पास बचे होने चाहिए। तो हमने कहा सर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, तो 30 लाख इंटू 2/12, तो मुझे 50,000 यूनिट्स और भी अपने पास चाहिए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक करेक्शन बता दूँ आपको, ये 30 लाख नहीं होना चाहिए, 3 लाख ही होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को बिल्कुल भी समझना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सेल कितना किया है 3 लाख, ठीक है ना। तो 30 लाख नहीं है, एक छोटा सा करेक्शन मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। फिर हमने यूनिट्स कितने सेल किए हैं सर 3 लाख तो किए हैं, तो टोटल कंजम्पशन कितना है रॉ मटेरियल का सर 3.5 लाख के बेसिस पर हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 3.5 लाख, उसका पर यूनिट कॉस्ट था 200 रुपये, लेबर कॉस्ट सर कितना आ रहा था, तो हमने सर यहाँ पे किया था 50 × 3 दैट इज 150, तो यहाँ पर हमने देखिए 150 का ही रेट लिया है। और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना आ रहे थे 75 × 2, 75 × 2 दैट इज अगेन 150, ठीक है ना, 75 × 2 दैट इज अगेन 150, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने फिर से 150 ले लिया, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है सर 175, ठीक है ना। कितना टोटल कितना आ रहा है सर 1750 लाख, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सर अपने फिनिश गुड्स जो हमने मेंटेन किए हैं उसको कम कर देते हैं। तो 500 के ही रेट पर 50,000 माइनस हो जाएगा 250 लाख, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी सर 1500 लाख, ठीक है। इसमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, तो ये कितने आ रहे थे, आइए चलते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो हमने जितना सेल किया उसी के हिसाब से लेंगे, 3 लाख यूनिट्स हमने सेल किया था 250 रुपये के हिसाब से, तो 750 लाख यहाँ पर भी आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी मेरी 2250 लाख, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 750 लाख, ठीक है। तो 750 लाख इज माई करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। चलिए ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेटेड करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, डेटर्स शुड बी कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, तो कैश कॉस्ट पे हमें निकालना है, ठीक है ना। हमें करंट एसेट पूछा है, ठीक है ना, नेट करंट एसेट नहीं पूछा है, वर्किंग कैपिटल नहीं पूछा है, हमें करंट एसेट्स बताने हैं। तो आइए सर फटाफट से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, तो मैंने कहा सर जितना रॉ मटेरियल था उसका 15% हमें अपने पास चाहिए, कहाँ लिखा था। आइए क्वेश्चन में चलते हैं, देखें ये लाइन यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे लिख के हमें बताई थी, ठीक है ना। इट विल मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इक्वल टू द 15% ऑफ द एनुअल कंजम्पशन। तो जो एनुअल कंजम्पशन थी वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, उसी का 15%, ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000 के हिसाब से 50,000 इंटू 500 सॉरी, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 500, तो ये आ जाएगा सर 250 लाख, ठीक। चलिए इसके बाद डेटर्स कितना, तो मैंने सर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर लेंगे क्या? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर ही लेते हैं डेटर्स को। तो 20 to 50 लाख में 3 महीने के हिसाब से हम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 56 to 50,000, ठीक है। और कैश तो 25 लाख हमें चाहिए ही चाहिए, तो टोटल करंट एसेट्स मेरे पास कितने हो जाएंगे 94250000, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ए पार्ट मेरा करेक्ट आंसर है। अब इन्होंने क्या पूछा सर थर्ड रिक्वायरमेंट में, थर्ड रिक्वायरमेंट में पूछ रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन की, ठीक है। तो अब जो करंट एसेट्स हमने निकाला उसमें से हम अपने करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो सर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, तो यहां तक तो कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है। अब हमें बात करनी है सर करंट लाइबिलिटीज की। तो क्रेडिटर्स का 1 महीने था और सारे एक्सपेंसेस हमें सर 1 महीने के एरियर में पे करने थे, ठीक है ना। तो आइए सर यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कितने खर्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेबर कॉस्ट है हमारे पास, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो आइए टोटल कर लेते हैं इन सबको। चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमने लेबर लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए और सर सेलिंग एंड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिए, ठीक है ना। ये कितना आ रहा था आइए चेक कर लेते हैं एक बारी। तो 52500000 और ये दोनों अमाउंट सेम है, ठीक है ना। और ये है 750 लाख, तो 52500000 52500000 एंड 750 लाख, ठीक है ना। चलिए आई थिंक यही है 5250, हाँ जी, ठीक है ना। 52500000, ठीक है। तो मैंने कम जीरो लगा दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका टोटल लेते हैं, तो टोटल हमारा सर 1800 लाख ही आएगा, ठीक है ना। 1 महीने के एरियर में चाहिए, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी आ गया। दूसरा सर हमारा टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है ना, टोटल क्रेडिटर्स तो परचेज से आना चाहिए। परचेज का हमने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाए रखा है, दैट इज अ कंजम्पशन, जो हमारा कंज्यूम हो जाएगा और रॉ मटेरियल का जो हमें स्टॉक मेंटेन करके चलना है। तो 700 लाख तो मुझे चाहिए ही था और उसका 15% ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा सर कितना सर 805 लाख। तो 805 लाख का अगेन 1 महीने के हिसाब से मुझे कितना चाहिए क्रेडिटर्स के लिए वर्किंग कैपिटल 67,08,333, ठीक है। तो इसका टोटल ले लिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है 72541667। चलिए तुम्हारा आंसर क्या जा रहा है यहाँ पर 72541667, सी पॉइंट हमारा करेक्ट आंसर है। अब इन्होंने फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या पूछी है, एनुअलाइज परसेंटेज कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो दोनों जो ऑप्शन हमें गिवन है, दोनों ऑप्शन कौन से गिवन थे सर, पहला ऑप्शन हमें गिवन था कि या तो हम अपने क्रेडिट पीरियड को कम कर दें या फिर हम फैक्टर के पास चले जाएं, ठीक है। तो इन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए सर अगर हम अपना क्रेडिट पीरियड 2 महीने का कर देते हैं, ठीक है ना, तो एट द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सेल्स, क्योंकि 5% सेल्स हमारी कम हो जाएगी, तो 3 लाख यूनिट्स मैं सेल करता हूँ माइनस 5%, तो ये कितना आ जाएगा 285,000, ठीक है ना। 285,000 मेरी वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर कितनी आने वाली है 750 के हिसाब से, तो 285,000 इंटू 750 कितना आ रहा है ये, तो मैंने कहा सर ये आ रहा है 2,137,50,000 इंटू 2/12, तो मुझे डेटर्स कितना चाहिए अब 356,25,000। ये तो हो गया मेरा रिवाइज्ड डेटर्स। अब मैंने कहा सर एग्जिस्टिंग डेटर्स का बैलेंस कितना, तो मैंने सर एग्जिस्टिंग डेटर्स का क्रेडिट पीरियड था कितना 3 महीने, 2250 लाख, 2250 लाख मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा था, उसमें 3/12 कर दिया तो 56,250,000 मेरा टोटल डेटर का बैलेंस आता। तो मैंने सर अपने वर्किंग कैपिटल में जो ब्लॉक्ड फंड्स थे वो कितना फ्री कर लिया, तो मैंने सर अमाउंट रिलीज फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा 2,06,25,000, ठीक है ना। अच्छा इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट में कितना रिडक्शन आया, तो मैंने कहा सर मेरे 15,000 यूनिट्स पर जो मैं 250 रुपये बचा रहा था वो अब नहीं बच पाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर कैसे निकाला 250 रुपये? सो सर 750 रुपये का टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा था और 1000 रुपये का मेरा क्या था, मैंने कहा सर सेलिंग प्राइस। तो 250 रुपये मैंने पर यूनिट बचाया है, तो 15000 इंटू 250 तो ये 37,50,000 मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो मेरा बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो क्या है सर 18.18%, ठीक है ना, 18.18%। अब हम फैक्टरिंग कॉस्ट के ऊपर आते हैं। सर कमीशन कितना था 2%, ठीक है ना, 30 करोड़ का। तो ये आ जाएगा सर कितना, मैंने कहा सर ये आ जाएगा हमारा 60 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट कितना, तो 30 करोड़ का 65% ही वो एडवांस करने वाला है और एग्जिस्टिंग डेटर्स पीरियड कितना है 3 महीना और उस पर 12% का इंटरेस्ट हमें लगेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना 58 लाख। और सेविंग्स कितनी होगी, तो हमें बताया था 20 लाख रुपए और 16 लाख रुपए, टोटल 36 लाख रुपए मुझे बचेंगे, तो नेट कॉस्ट कितनी आ जा रही है, तो मैंने कहा सर टोटल कर देते हैं 60 लाख प्लस 58,500,000, ठीक है, माइनस 36 लाख। तो ये आ रहा है सर 82,50,000, ठीक है ना। तो 82,50,000 डिवाइडेड बाय जो एडवांस है, ठीक है ना, दैट इज 30 करोड़ का 65% इंटू ये तो 3 महीने के लिए है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी टोटल कॉस्ट, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ये थोड़ा सा लाइनिंग में इशू है, ठीक है ना, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। तो ये आ रहा है सर 16.92%। तो 18.18 और 16.92% वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 18.18 एंड 16.92, ठीक है ना। चलिए सर केस सिनेरियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस बाय द बैंक एंड द एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द सेम। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में साफ लिखा था कि 75% ऑफ द नेट करंट एसेट्स हम एडवांस कर सकते हैं और वहाँ पर 16.5% में से आपको 90% ही यूजेबल है, ठीक है ना। तो 90% क्यों यूजेबल है, क्योंकि 10% तो आपको एवरेज मेंटेन करना ही करना है। तो एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 में से 10 तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, तो 90 रुपये यूज कर सकता हूँ और 90 रुपये पे मुझे 16.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेरी सिंपली, तो मेरा नेट करंट एसेट्स हमने ऑलरेडी निकाला था उसका 75% और 16.5% एट द 90% यूसेज फंड्स। तो ये आ रहा है 18.33%, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारा ये आंसर कौन सा हो जाएगा सर, हमारा आंसर आ रहा है करेक्ट कौन सा, 544 वाला, ठीक है ना, 544 एंड 18.33%, बी आंसर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पर हमारा जो केस सिनेरियो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, एक एक चीज़ डिटेल में हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चल रहे हैं डिवीजन बी में, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियोज प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फॉर द लाइमलाइट एंड कंपनी, ठीक है ना। चलिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स दिए हैं, जीपी मार्जिन दिया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है। सर एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है तो मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो ये 3 लाख रुपए की सेल्स आ रही है ना, और 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। तो मेरे का PBT निकल जाएगा मेरा कितना, मैंने कहा सर PBT हमारा आ रहा है सर 30,000, 3 लाख का 10%। सर वैसे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में सर पैट निकलता है, मैंने कहा हाँ सर। तो आपने PBT क्यों लिखा है, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए टैक्स क्या है, नील, टैक्स क्या है, नील, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं सर। इसके बाद PBIT टू PBT, सर इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, ये फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, है ना। तो 2:1 हमें ये भी दिया हुआ है। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80% है, इसका मतलब 3 लाख अगर टोटल सेल्स है तो उसका 80% दैट इज 2,40,000 ही मेरी क्रेडिट सेल्स है। तो इसको भी लिख लेते हैं 2,40,000। आइए इसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमें 0.4 टाइम्स दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसमें हमें सेल्स को ही टर्नओवर लेना है 5 टाइम्स दिया हुआ है। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें 30 दिन दिया है और साल में 360 दिन हमें कंसिडर करने हैं। करंट रेशियो हमें 2 दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हमें 60,000 का दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो हमें 40% दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपनी बैलेंस शीट को बनाना है। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या निकाला, सेल्स निकाला, ठीक है, और पीबीटी निकाला क्योंकि टैक्स जीरो है। पीबीआईटी टू पीबीटी 2 है तो पीबीआईटी कितना हो जाएगा, 2 × 30,000 दैट इज 60,000, और इससे इंटरेस्ट भी निकाल दिया मैंने क्योंकि इन दोनों के बीच का फर्क क्या होता है सर, इंटरेस्ट ही होता है। ईबीआईटी में जब इंटरेस्ट माइनस किया जाता है तो ही तो ईबीटी आता है ना, तो ये इंटरेस्ट कैसे निकला, 60 - 30 दैट इज 30,000। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स का रेशियो अगर 80% है तो मेरी क्रेडिट सेल्स निकल जाएगी कितनी, 2,40,000। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है अगर 0.4 टाइम्स है तो मुझे सेल्स की वैल्यू पता है तो मुझे टोटल एसेट्स भी पता चल जाएंगे 7.5 लाख के, दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.4 है ना। चलिए इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया है और यहाँ पर हमें COGS को यूज नहीं करना था, सेल्स को यूज करना है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 60,000। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का गिवन है तो डेटर्स टर्नओवर कैसे निकालूंगा, 360 डिवाइडेड बाय द एवरेज कलेक्शन पीरियड 12 आ जाएगा, तो डेटर्स की वैल्यू निकल जाएंगी, दैट इज डेटर्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द डेटर्स टर्नओवर रेशियो है ना, तो ये कितना आ रहा है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ रहा है 20। ठीक है, अच्छा सर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर 30 दिन ऑन एन एवरेज मेरे पास डेटर्स रहता है तो 2,40,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360 कर दें तो भी मेरे पास 20,000 आ जाएगा। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका भी हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑलरेडी इन सब चीज़ों को देखा हुआ है। अच्छा सर, अगर करंट रेशियो 2 है जिसमें डेटर और इन्वेंट्री मुझे पता है, कैश निकल जाएगा, हाँ सर बट हमें करंट लाइबिलिटी नहीं पता है, तो आइए हमने कहा सर करंट लाइबिलिटी में मेरे पास क्रेडिटर्स ही है क्योंकि और कोई इंडिकेशन मुझे यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो 2 टाइम्स क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 20,000 प्लस 60,000 प्लस कैश। ठीक है, तो हमने बोला पहली इक्वेशन बन गई मेरी 2 टाइम्स क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 80,000 प्लस कैश। इसमें लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 40% दिया हुआ है, तो मुझे पता है सर कहीं ना कहीं टोटल एसेट्स मेरे पास कितने थे, 7.5 लाख के थे। अच्छा, क्या सर क्वेश्चन में हमें शेयर होल्डर फंड्स दिया है, हाँ सर दिया है ना, शेयर होल्डर फंड्स दिया है 5 लाख, तो हमने कहा लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 40% है, शेयर होल्डर्स फंड अगर इसमें 5 लाख है तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा सर, 5 लाख का 40% दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो हमने बोला क्रेडिटर्स को कैसे निकालें। अच्छा सर ये तो बहुत ही सिंपल है ना, क्योंकि टोटल एसेट्स पता है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स पता है और लॉन्ग टर्म डेट पता है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं टोटल एसेट्स में से, तो मेरा क्रेडिटर्स तो निकल ही जाएगा। हाँ सर, तो 7.5 लाख में से 5 लाख और 2 लाख हमने माइनस कर दिया तो बचा हुआ 50,000 मेरा क्या है, क्रेडिटर्स है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्रेडिटर्स की वैल्यू 50,000 डाल दी, तो 1 लाख माइनस 20 80,000 इक्वल्स टू कैश दैट इज 20,000। ठीक है ना, लीजिए सारा सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। 3 लाख की सेल्स थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,80,000 था क्योंकि जीपी हमें ऑलरेडी गिवन था 1,20,000। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, पीबीआईटी आया, इंटरेस्ट माइनस किया और नेट प्रॉफिट आ चुका है क्योंकि नेट प्रॉफिट यहाँ पर टैक्स नहीं है तो पीबीटी ही मेरा नेट प्रॉफिट माना जाएगा। सिमिलरली बैलेंस शीट बना ली सर, 6.5 लाख हमारे को क्या गिवन है सर, फिक्स एसेट्स। कैसे निकाला सर, ऐसे निकाला कि 7.5 लाख अगर मेरे पास टोटल एसेट्स हैं जिसमें से स्टॉक 60,000, रिसीबल 20,000 और कैश 20,000 है, 1 लाख है, तो ऑटोमेटिकली फिक्स एसेट्स मेरा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। बाकी 5 लाख मुझे गिवन था, लॉन्ग टर्म डेट हमने निकाला था, ठीक है, 40% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, और 50,000 हमने क्रेडिटर्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आइए आगे चलते हैं सर। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है एक ऐसे क्वेश्चन का जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, जहाँ पर हमें आने वाले 10 सालों का EPS का डेटा दिया हुआ है और इन्होंने बोला है कि द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर विल बी 50% ऑफ द 2023 EPS। ठीक है ना, तो इसका 50% हम निकाल लेंगे। फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 दिसंबर 2023 इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम माना जा रहा है। ठीक है ना, तो जहां पर 12% डिबेंचर है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 24 लाख। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना है, 30.25। EPS लास्ट 10 सालों का हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रोथ भी निकाल लेंगे, तो आइए ग्रोथ निकाल ही लेते हैं। 3.023 माइनस 2.723 डिवाइडेड बाय 2.723 इंटू 100। तो ये सर 11% आ रहा है। तो मेरा ग्रोथ यहाँ पर कितना आ रहा है, 11% है ना। अब आंसर में चेक कर लेंगे सर 11% ही आ रहा है क्या। चलिए, कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिवेंचर्स एंड 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के डिवेंचर्स इज करेंटली सेलिंग एट 99 रुपीज़ and whereas the new preference shares can be sold at a net price of 9.9 paying a preference dividend of how much, 1.25 per share। कंपनी का मार्जिनल टैक्स रेट 50% है। अब आप जब आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट्स, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड ऑर्डिनरी इक्विटी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स। दूसरा, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द न्यू फंड्स रेस्ड। ठीक है सर। इसके बाद, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर द न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स विल बी इशूड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट अज्यूमिंग दैट द रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज अवेलेबल इज 50% ऑफ द 2023 अर्निंग्स। ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली सेम लाइन पर एक और क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूछा जा चुका है। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है। वट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट of funds in excess of the amount calculated in part number 3 if the company can sell new shares at 22 rupees per share assuming both the cost of debt and the preference share capital to be constant। ठीक है ना, तो इन दोनों की कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर रिडेम्पशन के लिए मैच्योरिटी पीरियड हमें नहीं बताया, तो सर इरिडीमेबल डेट की कॉस्ट निकल जाएगी, बड़ी सिंपल। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की कॉस्ट निकल जाएगी, बड़ी सिंपल। ठीक है ना, PD अपॉन NP। इसके बाद सर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को यूज करते हुए हम सर के ई निकाल लेंगे, जिसमें देखिए ग्रोथ कितना आ रहा है, 11%। तो हमने कैसे निकाला, करंट ईयर का EPS माइनस प्रीवियस ईयर का EPS डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का EPS। तो 0.11 दैट इज 11% का मेरा ग्रोथ रेट आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना था, 50% ऑफ द 2023 EPS डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। तो 16% मेरी इक्विटी की कॉस्ट भी आ जाएगी। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैपिटल को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है, तो हम नया जो भी कैपिटल रेज करने वाले हैं वो इसी वेट्स के साथ लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो डिबेंचर का वेट, प्रेफरेंस का वेट और इक्विटी शेयर का वेट आ जाएगा फ्रॉम द बैलेंस शीट जो हमें दी हुई है। ये देखें तो सर 4,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 24 लाख, तो 30 लाख का टोटल कैपिटल। सर 4.5 लाख 30 लाख के कैपिटल में कितना वेट रख रहा है, 15%। अच्छा, इसी तरह 1.5 लाख 30 लाख के कैपिटल में कितना वेट रख रहा है, 0.05, एंड बचा कितना सर, 0.8। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया 7.07, 12.63 एंड 16% के बेसिस पर हमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर निकाल लिया, दैट इज 14.492%। चलिए, अब हमसे पूछा गया कि सर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बिफोर इशूइंग द न्यू इक्विटी शेयर्स। तो हमने बोला कि रिटेन्ड अर्निंग्स अगर मेरे पास 50% ऑफ द टोटल EPS बची है और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख। तो हमने कहा सर अगर हम एक शेयर पर 50% ऑफ द EPS डिविडेंड बांट देते हैं तो बचा हुआ 50% ही तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो 2023 का EPS इंटू 50% इंटू 2 लाख शेयर, तो मेरे पास ये कितना रिटेन्ड अर्निंग्स है, 3,02,300। अब क्योंकि ये 80% रिप्रेजेंट करता है पूरे कैपिटल में, तो सर 100% कितना होगा, सर 100% हो जाएगा 377,875। ठीक है ना, तो हमने कहा द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ 75,575 that is 377,875 minus 3,02,300 shall be financed by issuing 12% preference shares in the ratio of 3:1। ठीक है ना, चलिए। अब चौथा ये था कि सर अगर 377,875 से भी ज़्यादा कंपनी को पैसा खर्चा करना है कैपिटल के लिए और हम नया इक्विटी शेयर 22 रुपये पर शेयर पर ही इशू कर सकते हैं, तो आपको बताना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी। तो पहले सर रिवाइज्ड के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा बट यहाँ पर शेयर प्राइस चेंज हो जाएगा। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी के लिए कितना आ रहा है, 17.87%। वेट्स क्योंकि सेम रहेंगे क्योंकि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, तो 0.15, 0.05, 0.8, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर रिवाइज आ जाएगा और टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा 15.988%। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है जो आरटीपी में इस बार आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, और सर एकदम सेम आसान सा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना सर, यहाँ पर आर्बिट्राज प्रोसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं एक बारी। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपए का, ईबीआईटी है 45,000 का और केई कितना है 12.5%। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने दिया है कि ए लिमिटेड लीवर्ड कंपनी है और बी लिमिटेड एक अनलीवर्ड कंपनी है, जिसमें डेट कितना है 10% का 1.5 लाख रुपए का और इक्विटी कितना है 1.5 लाख और 3 लाख। ठीक है, An investor is holding 20% in the levered company. Calculate the increase in annual earnings of investor if he switches his holding from levered to unlevered company. ठीक है ना, तो आइए, मैंने कहा सर ये आर्बिट्राज प्रोसेस सही है। पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो हमने कहा सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में ईबीआईटी हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट माइनस करके हमने अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाला, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है। ठीक है, के अगर 12.5% है दोनों कंपनियों का, तो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी 2,40,000 ए लिमिटेड की और 3,60,000 बी लिमिटेड की। इसमें डेट की वैल्यू ऐड कर दी तो ये आ जाएगा 3,90,000 और 3,60,000। ठीक है, तो क्योंकि लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज़्यादा है, वो ओवर वैल्यूड है, तो उसमें सेल करेंगे, और क्योंकि अनलीवर्ड फर्म अंडर वैल्यूड है उसको बाय करेंगे। तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज मोर देन द अनलीवर्ड कंपनी, देयरफॉर द इन्वेस्टर विल सेल हिज शेयर्स इन द लीवर्ड कंपनी एंड बाय द शेयर्स इन द unlevered company. To maintain the level of risk, he will borrow the proportioned amount and invest the total amount in the shares of the unlevered company. तो हमने सर अपना 20% सेल किया तो 48,000 रुपये मिल जाएंगे, और हमने टोटल जितना हमने लीवर्ड कंपनी के अंदर अपना स्टेक कंट्रोल रखा था उतना ही हम डेट भी बोरो कर लेंगे। तो टोटल पैसा मेरे पास कितना हो जाएगा 78,000। अब इस टोटल 78,000 को मैं इन्वेस्ट कर लूँगा, है ना। तो इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना मिलेगा सर, जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि अनलीवर्ड में तो डेट है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है ना, अनलीवर्ड कंपनी के केस में तो मैं 9750 कमाऊंगा। इसमें से जो मैंने इंटरेस्ट लिया था 30,000 रुपये का, उसका इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगा। तो मैंने कहा सर मेरी नेट इनकम फ्रॉम द अनलीवर्ड कंपनी कितनी होगी 6,750, और वहाँ पर मैं कितना कमा रहा था, तो वहाँ पर मैं 48,000 पर 12.5% दैट इज 6,000 रुपये ही कमा पा रहा था। तो मेरी इंक्रीमेंटल अर्निंग ड्यू टू आर्बिट्राज कितनी हो गई 750 रुपये। ठीक है ना, चलिए अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेवरेज का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है लेवरेज का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा कंपनी ए एंड बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स। अब ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जगह आपको सर मिसिंग फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। वेरिएबल कॉस्ट दिया है और वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेल्स बताइए। यहाँ पर ईबीआईटी बताया है आपको, फिक्स कॉस्ट बताया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया है, फाइनेंशियल लेवरेज बताया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया है। अब जो आप क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जगह आपको ऑपरेटिंग लेवरेज बता रखा होगा। ठीक है ना, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तो सर फॉर्मूला बहुत आसान है ना, क्या होता है, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, या फिर हम क्या कहते हैं सर एमओएस इज द इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, है ना। ठीक है, चलिए आइए, कोई इशू नहीं है सर, हम कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। तो हमने कहा सर इनकम टैक्स रेट 30% दोनों का सेम है, तो कैसे होगा सोल्यूशन, आइए देखते हैं, फटाफट से चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने कहा सर सबसे पहले देखिए हमने क्या किया होगा, फाइनेंशियल लेवरेज को यूज़ करते हुए हमने ईबीआईटी निकाला होगा। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी को हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं, जहां पर इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है। तो ईबीआईटी मेरा कितना आ जाएगा 17,500। अब इसमें से मैं इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस कर दूंगा जो कि 14,000 है, तो मेरा ईबीटी कितना आ जाएगा 3,500। ठीक है ना, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दिया तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अगर वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 88,000, तो कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो सेल्स भी निकल आएगा। हाँ सर, तो सेल्स इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर वेरिएबल प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 1,32,000। तो कंपनी ए का तो काम खत्म हो चुका है। अब कंपनी बी की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देयरफॉर इट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो 1 अपॉन 0.25, that is मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो सर ईबीआईटी हमें गिवन है, देख लीजिए 14,000 गिवन है, ठीक है सर। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ जाएगा, 14,000 डिवाइडेड बाय 0.25 तो ये आ रहा है सर 56,000। तो कंट्रीब्यूशन मेरा 56,000 आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा सर क्योंकि हमें यहाँ पर ईबीआईटी दिया हुआ है तो इन दोनों के डिफरेंस को मैं फिक्स कॉस्ट कहता हूँ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अगर मुझे पता चल गया और हमें ये भी पता है कि सर वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ द सेल्स है, तो सर कंट्रीब्यूशन भी तो 50% ऑफ सेल्स ही होने वाला है। हाँ सर, तो सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो सेल्स कितना आ जाएगा मेरे पास, सेल्स आ जाएगा सर 1,12,000, 1,12,000, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा सर बाकी सब तो हम लोग कुछ ही कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख के अपनी इनकम स्टेटमेंट्स बना ली, ठीक है ना। तो लेवरेज के चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा आसान और रिपीटेड क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ उन्होंने चेंज करी थी कि ऑपरेटिंग लेवरेज की जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दोनों फॉर्मूले किसी भी स्टूडेंट को याद हैं तो उसको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए अगेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आप देखेंगे एचएमआर लिमिटेड का जो क्वेश्चन है ये और स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है जो यहाँ पर इन्होंने सर दे दिया है, ठीक है ना। तो आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। HMR Limited is considering replacing an annually operated machine. HMR Limited is considering replacing a manually operated machine, old machine with a new fully automatic new machine. The old machine had been fully depreciated for the tax purpose but has a book value of 2.5 lakh rupees on 31st March. The machine has begun causing problems with breakdowns and it cannot fetch more than 40,000 rupees if sold in the market at present. It will have no realizable value after 10 years. The company has been offered 1,50,000 for the old machine as a trade-in on the new machine, which has a price of before allowance of trade-in 6 lakh rupees. तो 6 lakh rupees actual cost है, 1.5 lakh rupees उसमें से कम कर दी जाएंगे पुरानी मशीन अगर आप देने को तैयार हो जाते हैं तो आपको नेट में सिर्फ 4.5 lakh rupees ही देने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 साल है और सैलवेज वैल्यू उसकी 35,000 rupees 10 साल के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। फर्दर कंपनी फॉलोज रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बट फॉर टैक्स पर्पसेस स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज यूज्ड कंसिडरिंग दैट दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। तो जब हमारा ब्लॉक खाली होगा पुरानी मशीन के तहत तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी हमें देखना होगा, बट सर साथ में ही एक एडिशन भी हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ब्लॉक की जो टोटल WDV है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। A working capital of 50,000 will be needed and it will be released at the end of the 10th year. चलिए, given below are the expected sales and cost from both old and new machine. तो यहाँ पर हमें obviously चलिए तो annual output दिया हुआ है दोनों मशीनों का, सेलिंग प्राइस दिया है, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स दिए हैं, मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट पर आर दिया है, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम दिया हुआ है, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल चीज़ें निकालने के लिए फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन एनालाइज वेदर द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 10%, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है वैल्यूज के अलावा, ठीक है। आइए फटाफट से हम अपने इस क्वेश्चन को ओवर थ्रू करके एक बारी काम खत्म करते हैं। सर देखिए यहाँ पर हमें पहले तो 6 lakh rupees की मशीन की कॉस्ट बताई है, बट जो सेल प्राइस होगा, ठीक है ना, कितना है सेल प्राइस, सर सेल प्राइस हमारा 1.5 lakh rupees है, बट इस 1.5 lakh rupees में क्योंकि एज पर टैक्स इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, पूरी फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो इस पर टैक्स तो लगेगा, ठीक है ना। तो नेट ऑफ टैक्स कितना आ जाएगा वैल्यू 1,05,000, तो मुझे जेब से कितना देना पड़ेगा 4,95,000 देना पड़ेगा। अब टर्मिनल कैश फ्लो की बात करें तो सर सैलवेज वैल्यू मिलेगी, है ना। अच्छा इसमें से डेप्रिशिएटेड WDV में क्या सर 6 lakh rupees की मशीन है और 56,500 मैंने इसको 10 साल के लिए किया होगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। कैसे सर 6 लाख की मशीन में 35,000 तो मुझे मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो 56,500 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 10 साल के लिए, तो बचा क्या सर यहाँ पर मेरा 35,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0, इस पर टैक्स कुछ नहीं लगेगा, तो नेट सैलवेज वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 35,000 हो जाएगी। अच्छा सर ये बात तो ऑलरेडी पता है हमें कि सर जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है उसमें जो मेरी WDV है वही मेरी बुक वैल्यू भी बचती है, ठीक है ना। अब एडिशनल कैश फ्लोज हमें क्या क्या चाहिए ये हमने देख लिया सर, इंक्रीमेंटल बेसिस पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, मटेरियल की, लेबर की, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, डिप्रिसिएशन हमारा ठीक है, क्योंकि वो तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड था, तो सारा का सारा डेप्रिशिएशन हमारा 56,500 यहाँ पर आएगा। अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, फिर इसमें 56,500 जो डेप्रिशिएशन था वो ऐड कर देंगे और मेरा नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो 97,450 मुझे 10 सालों तक मिलता रहेगा। रिलीज ऑफ द वर्किंग कैपिटल हमें मिलेगा 50,000 रुपये, है ना सर, एकदम एंड में, और टर्मिनल ईयर में 35,000 रुपये मिलेगा। तो टोटल मुझे ये मिलने वाला है। मैं दूंगा क्या क्या, 4,95 आज दूंगा, 50,000 मैं आज दूंगा, तो मेरी एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी 86,543। ठीक है ना, चलिए। तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, ये एक बार क्या हमसे रिप्लेस और नॉट की बात पूछी गई है। फिर इन्होंने ये भी बोला है कि सर इनकम टैक्स रेट अगर 30% है, एस्टिमेट द आईआरआर भी पूछा है। ठीक है ना, आईआरआर भी पूछा है, तो आईआरआर की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो हमने फिर एक हायर रेट ऑफ रिटर्न 20% पर हमने एनपीवी कैलकुलेट करी जो कि नेगेटिव आ रही है, इंटरपोलेशन मेथड लगा दिया। सर आईआरआर आ गया 14.14%। ठीक है, क्योंकि आईआरआर मेरा कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है, तो हम आईआरआर के हिसाब से भी एक्सेप्ट करेंगे और एनपीवी के हिसाब से भी इस प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर डिविडेंड डिसीजन के ऊपर आते हैं। सर एमसीओ लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 लाख, फेस वैल्यू 10 रुपये ईच, करंट मार्केट प्राइस है 20 रुपये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ एन एजेंडा ऑफ मीटिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 25% टू इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट इनकम ऑफ 5,20,000 एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ऑल्सो प्लान्स फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर अ कॉस्ट ऑफ 7,50,000 विच कैन बी फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स एंड इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। कंपनीज डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। From the Modigliani Miller hypothesis, determine the value of the company when it does not pay a dividend and it does pay a dividend. तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डिविडेंड डिसीजन में, जहाँ पर आपको डिविडेंड ना देने पर वैल्यू ऑफ द कंपनी और डिविडेंड देने पर वैल्यू ऑफ द कंपनी को डिटरमाइन करके यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, करंट मार्केट प्राइस दिया है, तो पहले P1 निकालेंगे, फिर P1 के बाद हम ये निकालेंगे कि हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए कितना, उसके बेसिस पर P1 से डिवाइड करके हम एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे और फिर वो जो NP0 वाला फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, फिर जो NP0 वाला फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए फटाफट से। तो हमने कहा सर NP0 का फॉर्मूला क्या होता है, N प्लस चेंज इन N इंटू P1 माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब हम डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं तो सबसे पहले P1 निकालना है। तो P1 कैसे निकला सर, P1 आ गया 23। तो P1 का फॉर्मूला, सर P1 का फॉर्मूला नहीं P0 का फॉर्मूला होता है P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE जो कि हमें दिया हुआ है KE। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फंड्स किया, तो हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है बट हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बैलेंस हमें कितना चाहिए 2,30,000। तो 2,30,000 को 23 से डिवाइड किया तो हमारे को कितने चाहिए शेयर्स, 10,000 चाहिए। तो हमने बोला 1 लाख प्लस 10,000 इंटू 23 माइनस 750 प्लस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 लाख रुपये। सिमिलरली यहाँ पर जब डिविडेंड्स पे किए गए तो हमने P1 की कैलकुलेशन करी, 20.5 आ रहा है, कैसे P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, तो हमने 20.5 निकाला। अर्निंग्स है 5,20,000, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 2.5 लाख रुपये का, 2,70,000 बैलेंस था, 2,70,000 हमारे पास बचे हुए हैं। 7.5 लाख मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे अब कितने चाहिए 4,80,000 चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने चाहिए 23,415। तो हमने वैल्यू निकाली 1 लाख प्लस 23,415 इंटू 20.5 माइनस 750 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 1.15। तो अगेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज कमिंग आउट टू बी 20 लाख रुपये। और जिससे ये प्रूफ होता है कि एज पर MM हाइपोथेसिस डिविडेंड is irrelevant, value of the firm remains same irrespective of the dividend is paid or not। ठीक है, चलिए। तो यहाँ दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है खत्म। ठीक है ना, आइए हम चल रहे हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसके बाद थ्योरी है। ठीक है ना, आइए फटाफट से चलते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, काफी टेक्निकल है जो कि इंपॉर्टेंट भी है मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हमारी को कैलकुलेशन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, दोनों ही बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होने वाली है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। PQ लिमिटेड हैज कमेंस्ड अ न्यू बिजनेस सेगमेंट इन 2023-24। The following information has been ascertained from the annual production of 25,000 units, which is the full capacity. 25,000 full capacity है, ठीक। अच्छा, मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट है, लेबर है 50 रुपये पर यूनिट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 35 रुपये, डेप्रिसिएशन 15 के हिसाब से लगेगा और सेलिंग एक्सपेंसेस 80% इसमें से वेरिएबल है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि सर 8 रुपये मेरा वेरिएबल है और 2 रुपये मेरा फिक्स्ड, ठीक। चलिए आइए आगे चलते हैं। इन्होंने बोला इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशंस प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोस। तो प्रोडक्शन हम करेंगे 12 पर सेल कर पाएंगे 10,000, तो हमने 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मेंटेन किया होगा। सिमिलरली अगले साल 18,000 प्रोड्यूस किया, तो पिछले साल का 2,000 प्लस 18,000 20,000 मेरे पास यूनिट्स हैं, जिसमें से मैं 19,000 ही सेल कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 1,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल के अंदर बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। चलिए सेलिंग प्राइस कितना है, 250 रुपये का। टू एसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटेरियल 2 महीने का एवरेज कंजम्पशन, डेटर्स 1.5 मंथ्स ऑफ एवरेज सेल, कैश बैलेंस 50,000 हमें चाहिए ही चाहिए, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स ए 1 मंथ एवरेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस में ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें आरटीपी के अंदर, तो इस तरीके के क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ लिया और इसको एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के तरीके से भी पूछा। इन्होंने और आगे क्या बोला, गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस, तो WIP के बारे में बात करें, ऑन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल 100% बट ओनली 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस हमारे पास लगने वाले हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन टू मेक 10% मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज ऑन द कंप्यूटेड फिगर एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताना है, प्रिपेयर फॉर द 2 years प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इग्नोरिंग टैक्सेशन एंड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझकर आंसर के अंदर हमें इसको करना है प्रेजेंट। चलिए शुरू करते हैं सर अपना सोल्यूशन। सबसे पहले जो फुल कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि है 50,000, जो कि है 25,000 यूनिट्स की। अच्छा सर फिक्स कॉस्ट और जो डेप्रीसिएशन है अगर वो यूनिट्स के बेसिस पे दिया हुआ, तो ये बात समझनी चाहिए कि ये दोनों ही किस पे लगने वाला है, सर हमारा फुल कैपेसिटी पे लगने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन भी मशीन से रिलेटेड है और फिक्स कॉस्ट तो होता ही फिक्स है, तो वो वेरिएबल नहीं है। तो हम जितना हमने प्रोडक्शन किया या जितना हम सेल कर पाए वो उससे डिफर नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा सेल्स कितनी, तो सेल्स 10,000 इंटू 250, तो 25 लाख की सेल यहाँ जाएगी, और 19,000 हमने यहाँ सेल करी, तो 19,000 इंटू 250, 19,000 इंटू 250 कितना जा रहा है, 47,50,000 यहाँ जा रहा है। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं। अब आती है बात सर मटेरियल की, तो जितना प्रोड्यूस किया पहले वो निकालेंगे, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। तो 12,000 यूनिट्स हमने पहले साल और अगले साल में 18,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए थे 100 रुपये के हिसाब से, तो 12 लाख और 18 लाख हमारा यहाँ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर की बात करें, तो डायरेक्ट लेबर में भी जितना प्रोड्यूस किया उतने का खर्चा हमें लेना है, तो 12,000 इंटू 50 6 लाख और 18,000 इंटू 50 9 लाख आ जाएगा। अब आगे चलते हैं सर, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी के बल पर लगेगा 35 रुपये के हिसाब से, तो ये दोनों सेम रहेगा तभी फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम ही होता है, तो ये भी दोनों फिक्स आएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मेरी आ जाएगी। अब इसमें से जो मेरा WIP और फिनिश गुड्स है वो मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग WIP कैसे आया, तो फुल मटेरियल का कॉस्ट अप टू द परसेंट ऑफ 15% जो मुझे मेंटेन करना है, और बाकी के दोनों खर्चे कौन कौन से थे सर, लेबर और हमारा कौन सा था, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल जो टोटल कॉस्ट का 15% प्लस लेबर टोटल का 15% का 40%, क्योंकि ये लग ही 40% के बेसिस पर आए, और डिप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा यहाँ पर। फिक्स कॉस्ट नहीं आती है, मैं बात ध्यान रखना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिप्रिसिएशन के अलावा फिक्स कॉस्ट नहीं आती है। तो ये हमारा 22,500 हो जाएगा। तो 2,91,000 मेरा पहले साल का WIP आ जाएगा और ये ओपनिंग ऐड हो जाएगा। माइनस करेंगे 3,99। 3,99 भी कैसे निकाला सर? वही सेम तरीका है, 2,70 सर रॉ मटेरियल का 15%, 100% का up to the extent of 15% into 40%, and then depreciation also up to the extent of 15% into 40%। ठीक है ना, तो ये आ रहा है 399। चलिए अब ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसमें से हम अपने फिक्स्ड गुड्स का जो हमें मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है सर, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई थी। आइए, तो 2 महीने का एवरेज कंजम्पशन, 2 महीने का एवरेज कंजम्पशन हमें मेंटेन करके चलना है। तो आइए, ठीक है ना, हमने कहा सर यहाँ पर हम फटाफट से अपना निकाल लेते हैं। तो ये हमने कैसे निकाला? मैंने कहा सर हमने 12,000 यूनिट्स, ठीक है ना, हमने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे अवेलेबल फॉर सेल, और 20,000 हमने यूज़ किए थे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूंगा सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर? 27,59,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो 27,59,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये कितना आ रहा है? 459,833। और यही मेरा ओपनिंग बन जाएगा। और यहाँ पर कैसे निकालूंगा? तो 4301, ठीक है ना, कैसे निकाला सर 4301? तो मैंने सर ये दोनों को ऐड करके, ठीक है ना। आइए मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूं आपको, एक सेकेंड। तो हमारे पास कॉस्ट आ रही थी यहाँ पर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल कितना है सर? जो पिछले साल मेरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बचा था वही मेरा इस बार का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? 4301833 में आपको 1,000 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है और हमने प्रोड्यूस कितना किया था? 18,000। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सर अगर आपने ये किया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, मैं बता दूं आपको। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट का ही आपको प्रोपोर्शनेट लेना है। तो 213,444 कैसे आएगा? 38,42,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाई 18,000, यह आ जाएगा 213,444। ठीक है ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम क्या ऐड करेंगे सर? अपना सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल 8 रुपये का, और ऐड करेंगे सर जो फिक्स्ड है। ठीक है ना, फिक्स 25,000 के बेसिस पर लगेगा, और सर हमारा जो वेरिएबल है वो हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पर लगेगा, सेल्स सोल्ड यूनिट्स के बेसिस पर लगेगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस तो उसी पे लगेगा जो हमने एक्चुअल में सेल किया। तो 10,000 और हमने 19,000 सेल किया था। ठीक है ना, चलिए, तो 19,000 इंटू 8, 1,52,000 हमारा दूसरे साल का, और 10,000 इंटू 8, 80,000 इस साल का। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिक्स्ड के बेसिस पर फिक्स दिया जाएगा। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और यहाँ पर मेरा टोटल आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो अपनी बात सारी की सारी खत्म हो गई। अब हमें क्या बताना था सर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में? सर हमें बताना था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस। ठीक है ना, तो ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान है, सारी वर्किंग हम लोगों ने ऑलरेडी करी रखी है, तो यहाँ पर अब हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सर क्रेडिटर की सप्लाई ऑफ मटेरियल्स की हमने वर्किंग नोट बनाए हैं, और प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिस का भी वर्किंग नोट बनाए हैं, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, रॉ मटेरियल आ जाएगा, प्रोपोर्शनल बेसिस पर फिनिश गुड्स आ जाएगा, और वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है ना, रिसीवेबल्स आ जाएगा, प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएगा, मिनिमम कैश बैलेंस जो हमें चाहिए वो आ जाएगा, टोटल करंट एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अपने पास आ जाएंगी। इसका जो हमारे कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो हमारा वर्किंग नोट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी करा रखा है, तो आपको दिक्कत वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर हमारा रिसीवेबल्स का वर्किंग नोट, वर्किंग प्रोग्रेस का वर्किंग नोट, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको अपने प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है कि बड़े क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैश कॉस्ट के बेसिस पर आपकी वर्किंग कैपिटल दोनों साल की निकल जाएगी। ठीक है ना, और इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए सर फटाफट से आते हैं हम अपने मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है हाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगेन सर इजी क्वेश्चन है ये, थ्योरी में भी। ठीक है ना, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट एंड अक्रूवल्स एज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सोर्स। ये भी अगेन हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको फटाफट से आंसर्स देख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर्स बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, तो जो कि एकदम एंड में यहाँ पर दिए हुए हैं। 6 का पार्ट नंबर 1 और यहाँ पर पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो आरटीपी था मई 2024 के लिए जो आईसीआई ने इशू किया है वो हो जाता है खत्म, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द इंटायर एफएम आरटीपी बड़े ही अच्छे तरीके से सामने आ गया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ हमने अपनी पूरी की पूरी आरटीपी कर ली है डिस्कस। अब मैं आपको एक बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने एफएम के रिविजन की टेंशन हो रही है कि सर वो जो 1.5 दिन एग्जाम के बीच के होते हैं उसमें हम अपने पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करें, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईस्कॉलर्स लेकर आया है आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू पीआर बुक, दैट इज द परफेक्ट रिवीजन बुक। ये बुक में आपको कंसेप्ट्स, थ्योरी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाता है, और ये इतना कंसाइज मैनर में है कि आपको 1.5 दिन से ज़्यादा लगेगा नहीं इस पूरी किताब को कवर करने के लिए, ठीक है ना। बट कंसाइज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ को मिस आउट किया है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, और थ्योरी के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोगों ने ले रखे हैं, ठीक है ना। तो आप फटाफट से जाकर ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में इसको पा सकते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।